जी भाई रुको यार, ये ना आपका एरिया है क्या? अरे भाई ये एरिया हमारा है। कैसा भाई? मस्त है। मैंने आपका गाड़ी नंबर पहचान लिया। कैसे भाई? मस्त भाई मस्त। ये हम लोगों का एरिया। अभी तो घर में जाता हूँ। रुको ना भाई, रुको ना यहीं पे, ये करते हैं निकल जाना। क्या लोग बोलेंगे काम नहीं करते हो आप? ये मैंने बुलाया नहीं आप लोगों को। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब इधर इधर वाले एरिया में सब आर्टिस्ट मिलते हैं आपको? हाँ हाँ, लक्ष्मी में आते हैं। चलो ठीक है, ओके ओके। हेलो भाई, प्रोटीन से भाई क्या बोलते हो भाई? भाई आप लोग रॉकी रानी मूवी देखने गए थे देश, और आप तो कैसी लगी आपको मूवी? मैं बताओ आपको कौन कौन गया था? नहीं तीन गए थे, बताओ ना भाई। गई थी अंजुम, अंजुम गए थे, सब लड़की पूरी टीम गई थी। तो कैसे गए, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है, और मुझे रणबीर भाई का जो कैरेक्टर है, आ जा मेरे गाड़ी में बैठ जा, मैं तब से मेरे गाड़ी में 10 बार गाना बजा चुका हूँ, और बहुत प्यारा कैरेक्टर किया, और मूवी मुझे लगता है पैसा वसूल है। और एक हमारे लेजेंड भी उसमें थे, आपने देखा जो उनका धर्मेंद्र जी का काम। अरे यार धर्मेंद्र, मुझे लगता है कि जितने ओल्ड वाली कास्ट थी ना, उनके ओल्ड सॉन्ग डाले करण जौहर ने, और करण जौहर की मूवी मुझे सच्ची में इसलिए अब भी इसलिए अच्छी लगी कि वो प्रॉपर बॉलीवुड वाले सीन थे उसमें, और सब कुछ इतना बिग होता है ना, पैसा बहुत खर्चा करते हैं करण जौहर। भाई किस मूवमेंट था उन लोग का, आपने देखा उसके? वो मैंने कम देखा, मैंने वो इसको अच्छा लगा था, इसको अच्छा लगा ना, इसके लिए पूछ रहा है। क्या मूवी अच्छी नहीं लगी तुझे? वही अच्छा लगा बस। पूरी मूवी अच्छी थी, पूरी केमिस्ट्री तो उन्हीं के ऊपर है। मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? वो कार के साथ वाले मैचिंग जो कपड़े पहने, शिव भाई काफी टाइम आ रही है, और रणबीर साथ में देखे, उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? जो गली बॉय से दोनों और बहुत मस्त, दोनों को देखने बहुत नेचुरल लगता है स्क्रीन पे, मतलब लगता है कि रियल वाले बॉयफ्रेंड हैं। आप एपिसोड में बताऊंगा भाई की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है भाई, रिक्वेस्ट कर सबका, किसी फैन को नाराज नहीं करते भाई, डाउन टू अर्थ सिर्फ भाई एकदम। भाई कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा आपको उसमें? सॉन्ग यार वो झुमका तो मुझे लगता है सबको अच्छा लगा, पर मुझे पूरी मूवी अच्छी लगी। पर मैं एक बात बताऊं क्या, आपके थ्रू ना सब आर्टिस्ट के थ्रू एक ये किया करो सर, सिंगम क्या क्या भाई क्या क्या सिंगम मध्ये, सिंगम मध्ये रोहित शेट्टी ला सांगेल मी रोहित सिंगम सांगेल सुनता मैं। भाई भाई क्या बोल रहे थे आप? हां जगह जगह देते हो बोलियो चौथा तैयार ना क्या पार्टी सर बात तक की संभव रोहित शेट्टी सर को बताएंगे हम कि सिंगम भाई कुछ बोल रहे थे आप? रोहित शेट्टी तो मस्त है, मस्त है, जानको मस्त है ना जी भाई, कुछ बोल रहे थे आप शायद? अरे हाँ मैं बोल रहा था कि यार तुम लोग जब आते हो हाँ, तब ऑडियंस को लगता है कि आर्टिस्ट बुलाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, पर यार हम तो मतलब अपने काम से आते हैं पूरे दिन, वो तो हम लोगों का काम ही है राउंड मारने का, ढूंढ के निकालने का। और क्या भाई, पर ये लोग बहुत मेहनत, बारिश हो चाहे बारिश हो, बाहर में वो पीवीआर में भी आप बैठे रहते थे। अब भाई क्या डील शाकर, और आपका कुछ नया आने वाला सॉन्ग कुछ? यार एक सच्ची बोलूं कि हम दोनों दोस्त हैं, पर लोगों को पसंद आ रही दोस्ती, हाँ दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद, बट जो भी आएगा तो अच्छा ही है ना, काम के लिए सब रेडी है हम लोग। मैं तो चाहता हूँ मूवी आए आप दोनों की। अरे वो बोलिए लौकर पिक्चर आला पाए तुमका। चलो धन्यवाद दादा, बस बस मुझे बहुत सारी दुआ है अपने। हाँ चलो दादा भाई, तुम्ही कुठे राहिले? मलाड मध्ये, हो रामचे वेट करता तुमची। चलो बाय बाय भाई, ख्याल रखो, बाय बाय।